दोस्तों प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म प्रोजेक्ट के का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया है और इस मूवी में कमल हसन मेन विलन का रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों प्रोजेक्ट के को लेकर हुए इंटरेक्शन के दौरान कमल हसन ने सुपरहिट फिल्म शोले को लेकर भी कुछ ऐसा बोल दिया जिसके चलते खुद अमिताभ बच्चन भी हैरान रह गए। देखिए सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक शोले को लेकर कमल हसन ने कहा कि उन्हें अमिताभ बच्चन की ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। दरअसल कमल हसन ने फिल्म शोले में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम भी किया है और उसके बावजूद भी उन्हें फिल्म से नफरत है। लेकिन दोस्तों कमल हसन को अमिताभ बच्चन की इस मूवी से इतनी नफरत क्यों है ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए कमल हसन ने फिल्म के अलावा ये भी कहा फिल्म शोले से ज्यादा फिल्म के डायरेक्टर रमेश सीपी से भी नफरत है। देखिए कमल हसन ने बताया कि जब फिल्म शोले रिलीज हुई और उस फिल्म को देखने के बाद कमल हसन रात भर सो नहीं पाए, लेकिन कमल हसन ने इसके आगे लोगों को सस्पेंस में ही रख दिया और उसके बाद कमल हसन ने शोले फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि अमिताभ बच्चन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही मौजूद थे वीडियो कॉल के दौरान और वो कमल हसन की ये बातें सुनकर हैरान रह गए। इसके चलते कमल हसन ने सोचा कि अगर मैं कुछ और बताऊंगा तो कहीं अमिताभ बच्चन को बुरा ना लग जाए, इसके चलते कमल हसन ने उस टॉपिक को वहीं पर रोक दिया। अब दोस्तों इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है कि कमल हसन को शोले फिल्म क्यों पसंद नहीं आई और क्यों डायरेक्टर रमेश सीपी से कमल हसन इतनी ज्यादा नफरत करते हैं, अब उसकी वजह तो कमल हसन ही बता सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि कमल हसन इस राज पर से पर्दा आखिर कब उठाते हैं। बाकी दोस्तों कमल हसन के द्वारा शोले मूवी के बारे में ऐसी बातें सुनने के बाद आपको क्या लगता है, आखिर क्या कारण होगा जिसके चलते कमल हसन शोले फिल्म और शोले फिल्म के डायरेक्टर रमेश सीपी से इतनी नफरत करते हैं। तो इस बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।